हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मार्केट पूरा रेड पे ही रहा। निफ्टी आज ऑलमोस्ट 330 पॉइंट नीचे रहा और 21,238 पे जाके क्लोज हुआ। आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स लाइक RVNL, HDFC बैंक, सारे रेलवे स्टॉक्स, ठीक है, IRFC जो कि काफी न्यूज में था, आज 7% नीचे रहा। इरकन आयर सीओ इंटरनेशनल लिमिटेड, वो आज 13% नीचे रहा। RITES राइट्स आज 10% नीचे रहा। तो ये सारे स्टॉक्स अभी काफी न्यूज में था और काफी मतलब 200% 300% रिटर्न दिया था लास्ट 6 मंथ्स और 1 ईयर में ये सारे स्टॉक्स। तो ऑब्वियसली ये लोग पूरा अपना ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेड था कि ये मार्केट नीचे जाएगा, तो करेक्शन तो होगा ही। और इकोनॉमिक्स टाइम्स 6 पॉइंट दिया है, 6 पॉइंट्स दिया है कि क्यों आज मार्केट नीचे गया। तो उसमें से मेजर 3-4 पॉइंट डिस्कस करते हैं। और उसके साथ साथ निफ्टी नीचे जाने का और भी एक रीजन है, जैसे HDFC बैंक और रिलायंस, ये दोनों आज नेगेटिव में रहा। तो HDFC बैंक आज 3.24% डाउन गया है और 1430 पे क्लोज हुआ। तो HDFC बैंक आप देखोगे तो लास्ट 5 डेज जब से रिजल्ट आया है, 5 डेज में 15% नीचे गया। ये एक बड़ा मतलब इफेक्ट होगा निफ्टी के ऊपर, क्योंकि 13% वेटेज है निफ्टी पे HDFC बैंक का और रिलायंस में 9% का वेटेज है। तो रिलायंस भी देखो आज 2% नीचे गया, 2656 पे क्लोजिंग हुआ। लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो 5% के ऑलमोस्ट 4.2% के आसपास वो भी गिरा है। तो इतना बड़े कंपनी, इतना वोल्टेज, हैवी वोल्टेज है जो निफ्टी में, वो नीचे जाएगा तो सेलिंग होगा उसमें, तो ऑब्वियसली पूरा मार्केट को इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स जो रीजन दिया है उसमें देखते हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स का ये रीजन है, जो मेजर रीजन दिया है कि वो HDFC बैंक का जो फाइनेंशियल रिजल्ट तो इतना खराब नहीं था, लेकिन सेलिंग हुआ। लास्ट 5 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो ओनली 40% 50% दिया है। मे बी इन्वेस्टर्स आर नॉट लाइकिंग इट, मेनी इन्वेस्टर्स में भी, तो सेलिंग हो रहा है उसमें। सेलिंग होने से उसका प्राइस जो डाउन गया और वो एक मेजर रीजन है मार्केट को नीचे लाने के लिए। सेकेंड रीजन जो लिखा है तुम्हारा इकोनॉमिक्स टाइम्स, RIL रिलायंस का नीचे जाना भी वो एक रीजन है। FII का सेलिंग और एक रीजन दिया है। FII का सेलिंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो कि मार्केट को ऊपर और नीचे करने का मेन इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं, एक तो म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, DII और FII, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केट को ऊपर या नीचे लेने, क्योंकि आप और हमारा पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बहुत मिनिमम होता है, वो मार्केट को फ्लक्चुएट नहीं कर पाता है। फ्लक्चुएट करता है इन लोगों का पैसा जो कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, इस टाइप का बाइंग और सेलिंग जो होता है। तो इकोनॉमिक्स टाइम का रिपोर्ट ये बोल रहा है कि 13,000 करोड़ का नेट सेल हुआ है इस महीने में, जो कि लास्ट 2 महीना FII बहुत बाय किया था और ये महीने में FII सेल करने देखने को मिल रहा है। तो इसका एक इम्पैक्ट मिंट भी लिखा था, जो कि अभी जो ईरान, पाकिस्तान, सीरिया और इसराइल, पैलेस्टाइन, तो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी ईरान को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि US इन्वॉल्व होने का चांसेस इसमें हाई रह जाता है, क्योंकि US का भी जो एयरबेस था उसके ऊपर अटैक किया है ईरान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जा रहा है कि ईरान मे बी जो अटैक कर रहा है अदर नेशन पे और जो स्ट्राइक कर रहा है, मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है, उसका इम्पैक्ट ये मार्केट को देखने को मिल जाए, कि मार्केट में भी इसमें US इन्वॉल्व हो जाए तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मार्केट जो इन्वॉल्वमेंट रह रहा है इनडायरेक्टली US मार्केट के साथ रह रहा है, उन लोगों का बाई सेलिंग सब मार्केट का जो इम्पैक्ट। प्रॉफिट बुकिंग और एक रीजन लिखा है, प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर चला गया था, ऑब्वियसली करेक्शन एक्सपेक्टेड था, लोग अपना पैसा थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजन, मेन रीजन लिखा है कि हो सकता है कि ये सारे रीजन के लिए मार्केट नीचे गया है। तो कल राम मंदिर जैसे इनॉग्रेशन हुआ इंडिया में, काफी पॉजिटिव भाई है, तो एक्सपेक्टेड कि PSU स्टॉक्स जैसे रैली कर रहा था
ऊपर जाना जाएगा नियर फ्यूचर में, तो कल वो मार्केट पता चलेगा कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है और सेल हो रहा है या बाइंग फिर से स्टार्ट होके मार्केट ग्रीन में क्लोज होता है कल। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।